सम्मान जो गुरु सारे हो, वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। हर शुक्रवार भगत बाणी विचों कुछ चोणवे शब्दों की विचार असी आप जी के नाल सांझी करते हाँ। जिहड़े शब्द भाव अर्थां च डूंघे हन, जिन्हां दे लफ़्ज़ी अर्थ भी बड़े औखे हन, उन्हां शब्दों की लड़ीवार विचार असी कर रहे हाँ। पिछले कुछ समय तो भगत कबीर जी के आसाराम के शब्दों की विचार चल रही है, तो अज भी उस लड़ी का शब्द है, करवट भला न करवट तेरी, ला गले सुन बिनती मेरी, हों वारी मुख फेर प्यारे, करवट दे मोको काहे को मारे। तो ये शब्द अज सेवा कर रहे हैं वीर एमपी सिंह जी दिल्ली। मैं बेनती कर रहा हाँ वीर एमपी सिंह जी को अज दी शब्द विचार आरंभ कर। वीर एमपी सिंह जी, वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। भाई जी गुरमत क्लास में हाजिर भरन वाले सारे वीर भैनों जी आयान आखते हैं जी। तो क्लास की विचार की आरंभता करन तो पहला आओ पहला मूल मंत्र का पाठ कर लीए। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिवें आप जी ने हुणे वीर अजीत सिंह जी पासों सुनिया ही है, अज दा जो शब्द है भगत कबीर जी का राग आसा दे विच, उस शब्द की जो राहो की पंक्ति है, हो वारी मुख फेर प्यारे। तो आओ शब्द की विचार नाल सांझ पाउण तो पहला सुन लईए इस शब्द का गायन। फेर प्यारे करवट दे मुख काहे को मारे, हो वारी मुख फेर प्यारे करवट दे मुख काहे को मारे। Oh,
ਵਾਰ ਹਮ ਸੋਈ ਹੋ ਵਾਰੀ ਮੁਖ ਫੇਰ ਪਿਆਰੇ ਕਰਵਟ ਦੇ ਮੁਖ ਕਾਹੇ ਕੁਮਾਰੇ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ कबीर सुनो रे लोई अब तुमरी प्रतीत ना होई अब तुमरी प्रतीत ना होई वारी मुख फेर प्यारे करवट दे काहे कुमारे हमारी मुख फेर प्यारे करवट दे मुख काहे कुमारे करवट दे मुख काहे कुमारे मुख काहे कुमारे मुख काहे कुमारे शब्द का जो आप जी ने गायन सुनिया है राग आसा दे अंदर भगत कबीर जी का उच्चारण किया हुआ शब्द है रहाओ दी पंक्ति जो है ओ वारी मुख फेर प्यारे करवट ते मुख काहे को मारे। इस शब्द के अर्थ करन लगे हाँ आम कथाकार व्याख्याकार इस शब्द के नाल एक कहानी जोड़ के सुनाते हैं कि इस शब्द के विच भगत कबीर जी की वोटी उन्होंने मनाने की कोशिश कर रही है क्योंकि भगत कबीर जी वो नाराज हो गए हैं तो वह कहती है उन्होंने वोटी का नाम है लोई तो वह भगत कबीर जी को कहती है हों वारी मुख फेर प्यारे करवट दे मुखो काहे को मारे। तो कहानी ये सुनाते हैं कि कबीर जी किधरे काम से बाहर गए हुए सन तो उन्होंने मिलन वास्ते कोई बंदा आया तो माई लोई नू कहन लगा जी कि मैं तो बहुत बीमार हाँ मेरा कोई किसी दवाई नाल मेरा इलाज नहीं हो रहा मैं ठीक नहीं हो रहा तो मैं किसी ने दसिया कि कबीर जी को जा ते वो तेरा रोग कट देंगे। तो माई लोई कहती कि भाई उन्होंने की दसना है मैं ही दस देनी हाँ तू तीन बारी राम कह तो तेरा रोग कटिया जाएगा। उस बंदे ने राम राम तीन बारी बोलिया तो वाकई ठीक हो गया वो बड़ा खुश होया तो वापस जलों कबीर जी के घरों अपने घर में जा रहा सी तो रस्ते में कबीर जी की वाह वाह वडियाई करता जाए अगों उन्होंने रस्ते कबीर जी आते मिल गए तो वह बड़े हैरान हो गया भाई तू मेरी उस मेरी वडियाई क्यों कर रहा है। तो वह कह लगा जी कि मैं इस तरह थोड़े घर गया सीगा माई लोई ने मैनू कहा भी तीन बारी राम बोल तो मेरी इन्ने लंबे चिर की बीमारी जी एकदम ठीक हो गई। कहते वो गल सुन के कबीर जी ने बड़ा माड़ा लग्या कि लोई ने आखे राम का नाम इन्ना सस्ता ला दिता कि भाई एक बारी के नाम बोलन नाल उन्हें तसली नहीं होनी सी उन्हें भरोसा नहीं सी तो उन्हें तीन बारी क्यों अखवाया। तो घर जाके तो कबीर जी लोई को नाराज होके तो मूँह मोड़ के बैठ गए तो हूँ लोई उन्होंने मना रही है तो वह मनते नहीं हैं। ते उना दे मुताबक शब्द दियां पहलियां अठ पंक्तियां माई लोई दियां उचारण कीतियां होईयां ने ते अखीरलियां दो पंक्तियां कबीर जी दियां ने ओह कहिंदे ने कि भई ए लोई सुन हुण मैनूं तेरे ते कोई भरोसा नहीं। तो ऐसियां मन घड़त कहानियां लगा के ते इस तरीके दे अर्थ इस शब्द दे कीते जांदे हन। इस शब्द दे नाल ही जोड़ी हुई कहानी होर भी है क्योंकि अलग अलग कथाकार अलग अलग कहानियां किधरों किधरों पढ़ के या बना के सुनाते हैं। दूजी कहानी इस तरीके की सुनाते हैं कि कबीर जी ने एक बारी लोई नू आख्या
औरतों के 405 चलित्र होंगे ने, तेरे विच तो मैं कोई नज़र नहीं आता। तो वह कहन लगी वक्त आएगा तो मैं वो भी दिखा देंगी। तो गल खत्म हो गई। कुछ टाइम बीत गया तो उस तो बाद एक दिन कबीर जी घरों बहर गए हुए थे तो उन्होंने घर मिलन वास्ते कोई दो सत्संगी आए तो माई लोई न मिले। वो कहन लगे कि तुसी जल्दी तो जल्दी इतों भज जाओ, कबीर जी का दिमाग खराब हो गया, पागल हो गए ने। जिहड़ा भी बंदा उन्होंने मिलन आंदा है उन्हों रस्सी नाल बन के ते सोटे नाल मार देने, तो इस करके तुसी छेती भज जाओ। वो बेचारे परेशान होकर वापस चल पे। तो उले जा रहे सी दूरों जाते उन्होंने घर दे मोड़ कटिया तो कबीर जी वापस आ गए। लोई कहन लगी जी तुहानू मिलन वास्ते कोई दो सत्संगी आए सी, वो एक रस्सी ते सोटा मंगदे सी जे, पर मैं उन्होंने कहा कि भी मैं ते तुहाडे तो पुछे बगैर दे नहीं सकती। कबीर जी कहन लगे इन्नी कड़ी गल सी, दे देने सीगे। वो कहंदी अच्छा फिर तुसी आप ही दे दिओ, हुणे ही गए ने। कबीर जी ने उहदे कोल रस्सी और सोटा ले लिया ते उह बंदियां दे मगर चल पए। हुण उह बंदियां ने पिछे मुड़ के देखिया ते कबीर जी वाकई हाथ च रस्सी ते सोटा फड़ के आ रहे ने। उन्हां नूं यकीन हो गया कि लोई ने ठीक ही आख्या सीगा कि भई कबीर जी दा दिमाग खराब है, वो जिहड़ा बंदा मिलन आंदा उहनूं रस्सी नाल बन्ह के ते सोटे नाल मारदे ने। उह तेज़ तेज़ दौड़न लग पए, कबीर जी भी उन्हों का पिछा करन लग गए। अखीर काफ़ी दौड़ भज तो बाद कबीर जी ने उन्होंने नाल पहुँच ही गए। वो बंदे बड़े घबराए हुए थे, पर कबीर जी कहन लगे भाई साहब तुम ये लैन आए सो तो मैं तुम्हें देन आया वहाँ, तुम इन्ने दौड़ते क्यों पे सो। तो गल सारी खुल गई, फिर समझ आई ये सब लोई का ही पाया पवाला है। तो कबीर जी आके वापस ना कबीर लोई नाल नाराज हो गए। तो फिर उ सेम कहानी कि 6-8 पहलियाँ लाइना लोई दी उचारियां हुई, 2 कबीर जी की उचारियां हुई, तो कबीर जी ने कहता कि मैंने तो हूँ तेरे ते भरोसा ही नहीं रहा। तो इस तरीके दियां बेसिर पैर दियां मन घड़त कहानियां जो हैं उन्होंने शब्द के अर्थों के नाल असल च कोई तलक हुंदा नहीं है। तो आओ असी समझन का यतन करिए कि शब्द विच भगत कबीर जी कहना की चाह रहे हैं। एक गल होर जिहड़ी बड़ी ध्यान देने की जरूरत है जिसकी कि किसी भी इतिहास विच किसी भी जगह पर किसी भी लिखारी ने यह किते नहीं लिखिया कि माई लोई नूं भी भगतां दी श्रेणी में शामिल किया गया है। जे 8 लाइना माई लोई दी उचारण कीती हुई सन तो फिर वह नाम तो भगतां दी श्रेणी में आना ही चाहिए सीगा, क्योंकि गुरु साहब ने तो जे भगत सूरदास जी भी एक पंक्ति दर्ज की है तो वह नाम उन्होंने दे दिता है। तो सिरलेख के अगला अपना शब्द नाल जोड़िया है वो सिरलेख दे दिता है सारंग महला पंजवां सूरदास, भावें उसके उपर सिर्फ सूरदास की इको ही पंक्ति है। इस तरह ही भगत कबीर जी का एक शब्द है जिदे पहले 3 पदे भगत कबीर जी के उच्चारण किए हुए हैं तो अखीरला 4 पदा गुरु अर्जन पातशाह ने आप उच्चारण किया है। तो वो सिरलेख में भी गुरु साहब ने लिखा है कि गौड़ी कबीर जी की नाल रलाए लिखिया महला पंजवां। तो पहलियां पंक्तियां जिहड़ियां भगत कबीर जी दियां ने उहदा भी सिरलेख में जिक्र है, तो जिहड़ा एक पदा उन्होंने अपना उच्चारण किया है उहदा भी नाल जिक्र कर दिता गया है। तो फिर यह तो गल मुमकिन ही नहीं है कि भगत माई लोई ने भी पंक्तियां उच्चारण कीतियां होण ते उहदा नाम सिरलेख में ना आता। तो इस करके कहानी मूलों ही इस शब्द के नाल बिल्कुल ढुकती नहीं है, तो वो बारे कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है। तो आओ असी राव की पंक्ति तो ही सीध लईए। तो इत्थे जो मुख फेर प्यारे प्यारे संबोधन किया है भगत कबीर जी अकाल पुरख नूं वाहिगुरु नूं संबोधन कर रहे हैं कि हे मेरे प्यारे प्रभु, मैं तेरे तो वारी, मैं तेरे तो कुरबान, तू मेरे वल तक, करवट दे मोको काहे को मारे। तू मेरे वल पिठ, करवट देन तो भाव हुंदा है वी कोई बंदा अगर तुहाडे वल्लों मूँह मोड़ के ते पिठ तुहाडे वल कर लवे तो उन्हूं कहा जांदा है कि भी उन्हें करवट बदल लीती है, पासा बदल लिया है। तो कबीर जी हुण परमात्मा नूं कह रहे हैं कि तू मेरे ते मेरे वल करवट करके भाव मैनू पिठ दे के मैनू क्यों तू मार रहा है। ये मारन तो भाव की है, किसी भी प्यारे नूं अपने प्यारे तो अपने प्रेमी तो विछोड़ा होवे, उहदे दीदार ना होन, तो उहदे मन नूं जिन्नी तकलीफ हुंदी है ये उही समझ सकते हैं जिन्हां ने किसी दे नाल बड़ा डूंघा प्यार किया होवे। ये प्यार ईवन जे दुनियावी भी होवे,
ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜੇ ਵਿਛੋੜਾ ਇਤਨਾ ਅਸਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀਣਾ ਹੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀਣ 'ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਇਸ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੋ ਇਸ ਰਾਓ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਵਲਵਲਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਮੈਂ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿੱਠ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਧਿਆਨ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਸਨੂੰ ਲਫਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਐਸੇ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਾਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਊਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਾਵ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਇੰਸਟੈਂਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਈ ਆਓ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੁਕ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੋ ਜੋ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਤਸੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਉਸ ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਹੀ ਵਲਵਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗਾਓ ਦੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਆਖੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹਨ ਜੋ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਹੈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੁੱਖ ਫੇਰ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਕਰਵਟ ਦੇ ਮੁੱਕੋ ਕਾਹੇ ਕੋ ਮਾਰੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਭਾਵ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜਿਉਣਾ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਜੀਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੋ ਇਹ ਜੋ ਸਟਰੋਂਗ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੋ ਆਓ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਪਦ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰਵਤ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ ਲਾਗ ਗਲੇ ਸੁਣ ਬਿਨਤੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਲਫਜ਼ ਹੈ ਕਰਵਤ ਇਹ ਅਦਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਲਫਜ਼ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਰਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਗਤ ਜੋ ਕਿ ਬਨਾਰਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਰਾ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇਗਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬੈਕੁੰਠ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ
बनारस शहर के अंदर ये मैं नैट तो सर्च किया है, तो जरा ये खब्बे पासे उपर जरा ये मंदिर है दरिया के किनारे के उत्ते, ये मंदिर का नाम ही करवत मंदिर है। और इस दे अंदर बे हूँ अजकल बेसमेंट के शिवलिंग पिया होया है, क्योंकि ये जरा मंदिर है वह शिवजी की पूजा वाला मंदिर है। पर इस मंदिर के उपर एक इन्होंने आरा रखा हुआ है, जिसकी शकल थले तीसरी फोटो के है। तो उस जमाने के पंडित ने भाव प्रचलित किया हुआ सी, मनौत बनाई हुई सी कि जेड़ा भी इस आरे दे नाल कट के जान देगा तो वह सीधा ही बैकुंठ नू जाएगा। तो कई भोले भाले लोग जड़े सी वो आके इत्थे अपने आप नू कुर्बान कर देंदे सी, अपनी जान दे देंदे सी। तो पंडित ने फिर इस नू अपना धंधा ही बना लिया, जड़ा बंदा भी आरे दे उत्ते चिरन वास्ते आवे उन्हों कहना कि पहला तू कोई अपना सारे जो कुछ तेरे है वो दान पुन कर जा, कईयां नू धन पदार्थ, कईयां कोल गहने, इत्थों तक के कईयां नू वो कह देंदे सी कि अपनी वोटी दान कर जा शिंगार समेत, जिदा जिक्र एक होर शब्द विच भी गुरबाणी चांदा है कि अरपे नार सिगार समेत। तो वह भी कम यह किया जाता सीगा कि आरे दे चिरन तो पहला तू अपने जो कुछ तेरे है दुनियावी तेरे को एसेट है वो सारे तू पंडित नू ब्राह्मण नू दान कर जा, ते ता ही तेरा तेनू जड़ा है बैकुंठ च दाखला मिलेगा। सो ए कबीर जी उस करवत दा ही मिसाल दे के ते कह रहे हैं कि भई प्रभु तेरी करवट मैनू नहीं मंजूर, वह मैनू चंगी नहीं लगती, उहदे जगह ते जे मैनू किसे आरे ते भी चिरना पै जावे ना वह मैनू मंजूर है, तो तू मेरे वल पिठ ना कर, मैनू अपने आप याद तो अपने प्यार तो वांझा ना कर, मेरे वास्ते वह सहारना बड़ा मुश्किल है। जिवें राहो च उन्होंने कहा है कि करवट दे मुको काहे को मारे, तो उही भाव इत्थे भी प्रगट कर रहे हैं कि करवत भला ना करवट तेरी। तो यह जड़ा आरा सीगा इसका नाम से करवत, करवत इसनू कहंदे सी। तो ये पंजाबी का रूप जड़ा है वह करवत है, जिस करके ये वोवे दे उपर अदक लगा के उच्चारण करना हुंदा है, पर गुरबाणी दे अंदर अदक दी वरतों उंज किते नहीं कीती गई, अर्थां दे मुताबक सानू समझ के अपने कोलों ये उच्चारण विच अदक ऐड करना पैंदा है। तो करवत भला ना करवट तेरी, लाग गले सुन बिनती मेरी। तो इस पदे विच भी कबीर जी परमात्मा नूं ही संबोधन करके कह रहे हैं कि तेरे पिठ देन नालों तू मैनू जे किते विसार देवें या मैनू अपने तो विछोड़ देवें, उहदे मुकाबले तां मैनू इह करवत दे उत्ते चिर जाना मर जाना चंगा है, क्योंकि आरे दे नाल चीरन दी भी पीड़ जिहड़ी होएगी उह ते शायद सहारी जाएगी, पर तेरे तो विछोड़ा जड़ा है वह मेरे तो सहारन दे मेरी समर्था नहीं है, मैं नहीं सहार सकता। तो इसलिए हे मेरे प्रभु मेरी ये बेनती सुन, तू मेरे गले लग जा, भाव मैनू तू अपने नाल जोड़ लै, अपने तो विछड़े होया ना रख, ते तेरी याद मेरी जिंदगी दा सहारा बन जावे, मेरे गले दा हार बन जावे, तू हमेशा ही मेरे संग रवे, लाग गले सुन बिनती मेरी। तो गले लगन तो पावे ही है कि तू हमेशा ही मेरे संग रवे, कदी भी तेरी याद मैनू जड़ा है वो मेरे हिरदे चो ना विसरे। तो करवट दी जो पीड़ है वो तेरे करवट देन नालों भी मैनू सहारनी सौखी है, तो इसलिए मेरी तेरे अगे बेनती है कि तू मैनू विछोड़ा ना दे, ते मेरे नाल ही मिलिया रह, मेरे नाल हमेशा रह, भाव तेरी याद हमेशा मेरे हिरदे विच टिकी रहे। अगला हुण जो दूसरा पदा है उस विच कबीर जी कहिंदे हन कि जौ तन चीरे अंग ना मोरो पिंड परे तो प्रीत ना तोरो। जौ भाव जे, हे प्रभु जे तू मेरा तन भी चीर देवें, मेरा शरीर भी चीर देवें, भाव जिवें आरे दे नाल शरीर नू चीर दिता जांदा है, तो कबीर जी कहिंदे हन कि जे तू मेरे शरीर नू भी चीर देवें तां अंग ना मोरो, अंग ना मोरो तो भाव हुंदा है कि मैं पिछे नहीं हटांगा,
मैं अपना कोई भी शरीर का हिस्सा मोड़ के परे नहीं करांगा, दूर नहीं करांगा कि भाई मैं बच जावा, नहीं, मैं अपने शरीर को बचाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करांगा तो पिछे नहीं हटाऊंगा। जे तू मेरे शरीर को चीरना चाहे तो मैं अपने शरीर को बचाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करांगा। पिंड पर है तो प्रीत न तोरो, पिंड का जो आखिरी अर्थ है वह है शरीर, तो पिंड परे तो भाव है जे शरीर नाश हो जाए, शरीर खत्म हो जाए, पिंड पर है तो मतलब है कि शरीर अगर जे रह जाए खत्म ही हो जाए नाश हो जाए, जे मेरा शरीर इस तरह खत्म भी हो जाए तो प्रीत ना तोड़ो, मैं तेरे नालों प्यार नहीं तोड़ना, मेरे वास्ते तेरे प्यार तो बिना जीवन व्यर्थ है, उदे नालों तो मर जाना मैनू चंगा लगता है। तो यही कंटिन्यूस भाव जड़ा है रहो दे विच भी आया, पहले पदे विच भी आया, हुण दूसरे पदे विच भी यही गल आ रही है कि तेरे तो विछोड़ा जड़ा है वह मैनू मंजूर नहीं है, शरीर के तौर के उत्ते मैनू कोई भी तकलीफ सारनी पवे मेरे वास्ते वह मंजूर है, एक्सैप्टेबल है, पर तेरे तो विछोड़ा जड़ा है वह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, तेरे तो प्यार मेरा टुट जाए वो मेरे वास्ते बर्दाश्त करन दे लायक नहीं है, मैनू वो मंजूर नहीं है, तो जड़े मेरे शरीर नू कोई भी तकलीफ होवे मैं उसनू बचाने की कोशिश नहीं करांगा जे मैनू तेरा साथ मिल जाए। अगले पदे च कहंदे हन कि हम तुम बीच भयो नहीं कोई, तुम्हें सुकंत नार हम सोई। बीच लफज का जो अर्थ है वो दर्पण के गुरु ग्रंथ साहब दर्पण के प्रोफेसर साहब सिंह ने लिखा है विथ। आम बोलचाल के असी बीच लफज हिंदी का लफज है बीच वो यही समझते हाँ कि विचकार, तो भावें दोनों तरह किसी तरीके भी अर्थ कर लवो यदा भाव यही निकलता है कि मेरे और तेरे विचकार होर कोई नहीं है या मेरे और तेरे विचकार हुण कोई विथ नहीं है। तो हुण ये सारिया उपर पहले पदियां जो मिलाप दियां बेनतियां करके प्रभु की मेहर की नज़र की याचना करके कबीर जी इस पदे के अंदर हुण मिलाप की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं कि हम तुम बीच पयो नहीं कोई, तेरे ते मेरे विच कोई विथ नहीं है, या यूं भी कह लो कि तेरे और मेरे विचकार हुण होर कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि तेरा और मेरा रिश्ता वो है कि तुम्हें सुकंत नार हम सोई, कि तू वही मेरा प्रभु खसम है तो मैं तेरी जीव स्त्री हाँ, तेरे और मेरे विचकार होर किसी दूजे के आने का कोई मतलब ही नहीं है। पति पत्नी का जो ईवन समाजिक रिश्ता भी है जिन्हों की पति पत्नी की आपस में बनती है उन्होंने विचकार किसी होर दूजे का किसी गल वास्ते भी दखल देने का कोई अर्थ नहीं है, ना ही समाजिक तौर पर इस चीज़ को एक्सैप्ट किया जाता है। तो ये ऐसा गूढ़ा नज़दीकी रिश्ता होता है जिदे विच होर किसी की दखल अंदाजी नहीं होंगी। तो उसे रिश्ते की मिसाल वरत्या होया भगत कबीर जी हुण प्रभु नूं संबोधन करते कहते हैं कि हे प्रभु तेरे और मेरे विच भी हुण कोई विथ नहीं है, असी बिल्कुल एक दूजे के नाल हाँ, साढ़े विचकार होर कोई नहीं है, क्योंकि तू मेरा पति तो मैं तेरी पत्नी, मैं तेरी जीव स्त्री हाँ, तेरा मेरा इन्ना जो है प्यार दा गूढ़ा नज़दीकी रिश्ता है, तो ये विचकार होर किसी का दखल जान का कोई मतलब नहीं है। तो ये तीसरे पते के अंदर कबीर जी ने प्रभु के नाल मिलाप की अपनी जो है अवस्था का इस तरीके दे नाल वर्णन किया है पति और पत्नी के रिश्ते का दृष्टांत वरत के। आखिरी पदे च कबीर जी कहते हैं कहत कबीर सुनो रे लोई अब तुमरी प्रतीत ना हुई। तो ये सारे शब्द दे विच जड़े कहानियां दा जड़ा रफड़ पया पाया गया लोकां वल्लों उहदा जो सोर्स है वह यही चौथा पदा है जिथे लफज लोई आया है। हुण कबीर जी दी वोटी दा नाम किया जाता है कि लोई सी उहनूं पकड़ के लोगों ने इस तरीके की कहानियां बना लिया कि कबीर जी तो लोई नूं संबोधन करके कह रहे हैं कि अब तुमरी प्रतीत ना होई। पर सोचन वाली गल ये है कि ये अर्थ किसी भी तरीके दे नाल बन नहीं सकते, ना ही व्याकरण के पक्ष तो ना ही लॉजिक के पक्ष तो। सोचन वाली गल ये है कि भई जीवन के अंदर समाज के अंदर रहिंदिया होया पति और पत्नी के विचकार किसी भी गल तो कोई थोड़ा बहुता
फर्क सोच में आ सकता है, किसी गल तो नाराजगी भी हो सकती है। तो कि यह गुरबाणी की यह जो रचना है गुरु अर्जन पातशाह ने इस वास्ते दर्ज की है गुरु ग्रंथ साहब के अंदर कि सानू इस तो यह गाइडेंस मिले कि जे पति दा अपने पत्नी दे नाल किसे गल तो जरा जहा मनमुटाव कोई हो गया है तो वह उन्होंने कह दे कि बई हूँ तो मैं तेरे नाल गल ही नहीं करनी, तेरा मैनू तेरे ते कोई भरोसा नहीं रहा तो मैं तेरे नाल कोई संबंध नहीं रखना। यह गाइडेंस तो गुरबाणी इस तरह की तो असी कभी सोच भी नहीं सकते कि इस तरह की गाइडेंस देने गुरु साहब चाहते हो। दूसरी गल है कि लफज आया है कहत कबीर सुनो रे लोई। हूँ सोचने वाली गल यह है कि लोई जे अगर उन्होंने पत्नी नू संबोधन किया होंगे तो लोई लफज फिर स्त्रीलिंग रूप है, पत्नी वास्ते जे आया है तो इनू स्त्रीलिंग होना चाहिए है, तो स्त्रीलिंग का संबोधन कभी भी रे नहीं होंगे। तो इस दिया मिसालां असी गुरबाणी विचों भी होर देख लेंगे हाँ कि रे लफज हमेशा पुलिंग वास्ते आता है, जिमें रे नर गर्भ कुंडल जब आछत, तो नर पुलिंग है। इसे तरह ही काहे रे नर गर्भ करत हो, इत्थे भी नर वास्ते रे आया है। तीसरी मिसाल रे नर काहे पपोरो देही, इत्थे भी नर वास्ते रे आया है। तो दो मिसालां होर दर्पण च इस तरह दित्तियां होईयां हन, कहत कबीर सुनो रे लोई भरम ना भूलो कोई, क्या कांसी क्या ऊखर मगर राम हृदय जो होई। हुण इहदे विच तां कोई लोई दे नाल गलबात हो भी नहीं रही, सिर्फ इत्थे भी रे लोई करके ही कबीर जी ने संबोधन किया है। तो एक आसा राग विच एक होर शब्द है लंका सा कोट समुंदर सी खाई, उहदे अखीर ते भी आ जांदा है कहत कबीर सुनो रे लोई राम नाम बिन मुकत ना होई। तो ये रे लोई जड़ा है ये पुलिंग दे वास्ते ही इस्तेमाल हो सकता है, स्त्रीलिंग वास्ते नहीं हो सकता। और अगर स्त्रीलिंग दी मिसालां देखिए तो उत्थे हमेशा री आंदा है, जिवें कबीर जी का अपना ही शब्द है रहो रहो री बहुरिया घूंघट जिन कढ़। बहुरिया कहिंदे हन स्त्री नूं जां नूं नूं, बहू नूं कहिंदे हन, ते बहुरिया घूंघट जिन कढ़ तो री आया है। इसे तरह ही दुल्हनी दा संबोधन आया है दुल्हन वास्ते, गाओ गाओ री दुल्हनी मंगल चारा, तो इत्थे भी री लफज आया है। भगत त्रिलोचन जी ने भी री लफज ही वरत्या है पर थोड़ा जे उहदा शब्दिक रूप थोड़ा फर्क है, और री दी जगह अरी अरी बाई गोविंद नाम मत विसरै। बाई महाराष्ट्र दे विच बोली दे अंदर बाई उहनू औरत नू कहिंदे हन, तो उत्थे भी अरी बाई आया अरे नहीं आया। इसे तरह ही भगत नामदेव जी का भी शब्द है री बाई बेडी देन ना जाई। तो सारिया मिसालां तो यह गल बड़ी स्पष्ट है कि जिथे भी कोई स्त्रीलिंग लफज है स्त्री औरत नूं संबोधन है तो री लफज आता है, तो रे लफज हमेशा उत्थे ही आता है जिथे पुलिंग लफज नूं संबोधन है, जिवें रे नर है। तो हुण जे रे लोई लफज आया है तो यह स्त्रीलिंग वास्ते तो हो ही नहीं सकता, तो रे लोई किसी पुलिंग लफज वास्ते ही होएगा। तो इतों यह गल तो स्पष्ट हो गई कि लोई का अर्थ भगत कबीर जी की वोटी तो व्याकरण के आधार के उत्ते हो ही नहीं सकता। तो कहत कबीर सुनो रे लोई, तो लोई लफज का मीनिंग की है ये असी गुरबाणी विचों ही समझते हैं। गुरु नानक पातशाह ने भी लफज लोई वरत्या है, हुण उन्हां दा ते किसे लोई नाल कोई रिश्ता नहीं सीगा, कोई लैन देन नहीं सीगा, ते उहदा उन्होंने जिस अर्थ विच वरत्या है वह वरत्या है लोक दे या जगत दे अर्थ विच कि जो दिसै सो आपे आप, आप उपाए आपे घट थाप, आप अगोचर तंदै लोई जोग जुगत जग जीवन सोई। के प्रभु आप अगोचर है जगत सारा तंदे विच है, लोई जगत वास्ते। आम तौर पर लोई लोकी लोकां दे अर्थां दे विच भी वरत्या जाता है, त्रै लोए भी आता है जिवें तीन लोक, इस वास्ते भी लफज आता है। तो इस करके अप्रोप्रिएट यही है कि लोई लफज जड़ा है वो जगत वास्ते या जगत की लोकाई वास्ते वरत्या गया है, ना कि किसी इमेजिनरी स्त्री वास्ते। तो लोई लफज लोए जगत या जगत के लोगों के वास्ते ही वरत्या गया है, जिवें गुरु नानक पातशाह के इस वचन तो भी गल स्पष्ट हो जाती है। सो
ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਜੇ ਲੋਈ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਜਗਤ ਜਾਂ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜਗਤ ਦਾ ਮੋਹ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਰਪਣ 'ਚ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਰੇ ਲੋਈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਥ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਜਗਤ ਦਾ ਮੋਹ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੀ ਆਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹਦੇ ਚੇਤੇ 'ਚੋਂ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜਗਤ ਦਾ ਮੋਹ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤਾਤ ਜਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਹੈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਮਾਫਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲਵਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਜਗਤ ਦੇ ਮੋਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਾਂਗਾ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਲ ਹੈ ਚਾਲ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਜਗਤ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਜੋ ਜਗਤ ਦੀ ਲੁਕਾਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੀ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਾ ਵਿਛੜਾਂ ਤੋ ਇਹ ਜਗਤ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਭੁਲਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਹੋਰ ਇਸ ਲੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਵੋਟੀ ਵਾਲਾ ਅਰਥ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਰਥ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਹੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ ਕਿ ਲੋਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੋਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਨਣ ਤੇ ਚਾਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਵਿਦ ਆਪਣੇ ਇਨਫਰੈਂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਚਾਨਣ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਣੋ ਰੇ ਲੋਈ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਬ ਤੁਮਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਹੋਈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਬ ਤੁਮਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਹੋਈ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਤ ਦਾ ਜੋ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਭਰੋਸਾ ਇਤਬਾਰ ਮੈਂ ਸਪੋਜ਼ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਬ ਤੁਮਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇ ਫੋਰ ਦੀ ਟਾਈਮ ਬੀਂਗ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਦੂਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਬ ਤੁਮਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਹੋਈ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੋਪਾਲ ਹੇ ਦਿਆਲ ਲਾਲ ਜਾਂ ਹੇ ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਰੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਦਰ ਸੂਚਕ ਵਰਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਬਲਕਿ ਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ
अनादर वाचक संबोधन वास्ते वरत्या गया है, जिवें गुरबाणी की एक पंक्ति आती है कि रे रे दरगाह कहे ना कोई, आओ बैठ आदर शुभ दे। तो ये उस अवस्था वास्ते समझा लफज उच्चारण किए गए हैं कि जो कोई गुरमुख सज्जन जिन्हें सारी जिंदगी प्रभु की प्रेमा भगती विच गुजारी होवे, जो वह प्रभु की दरगाह च पेश हुंदा है तो उन्हें कोई उत्थे रे रे करके नहीं बुलाता बल्कि उन्हें आदर दिता जाता है। तो रे रे लफज अनादर का लफज है, तो रे लफज कह के परमात्मा संबोधन तो किया ही नहीं जा सकता। तो इस करके जो प्रोफेसर हरबंस सिंह जी ने जो दर्पण के अर्थों को कट के अपने वालों जो नवे अर्थ किए हैं वो किसी भी तरीके गुरबाणी की अंदरली गवाही तो इन नियमों तो नाल मेल नहीं खाते, तो लॉजिक के हिसाब नाल भी ये फिट नहीं बैठते। ना तो परमात्मा संबोधन रे करके किया जा सकता है, तो ना ही इस पंक्ति के अब तुमरी प्रतीत ना हुई दा अर्थ ये किया जा सकता है कि तू मेरे ते भरोसा नहीं करता। तो इस करके जो गुरु ग्रंथ साहब दर्पण च अर्थ किए गए हैं, कहत कबीर सुनो रे लोई अब तुमरी प्रतीत ना हुई, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर यही लफज बनते हैं कि हे जगत दे मोह ये गल हुण तू ध्यान नाल सुन लै कि मैनू हुण तेरे ते कोई भरोसा नहीं है। जो जगत दे लोकां दी जीवन चाल है वह मैनू मंजूर नहीं है, मैनू प्रभु ते ते प्यार तो विथ मंजूर नहीं है, ये माया दा मोह मेरे मनू मंजूर नहीं है, तो मैं तो अपने प्यारे दे प्यार दे विच ही जीवन बतीत करना चाहवांगा, इस करके मैं जगत दे मोह दे उत्ते भरोसा नहीं करदा। वो जगत दा मोह जड़ा मैनू अपने प्यारे प्रभु तो विछोड़न दा कारण बनता है, किसी भी तरीके मैनू वो तरीका वो जीवन जाच मंजूर नहीं है। तो लोई लफज का जो आखिरी अर्थ है वह जगत लोक दे अर्थां विच ही है, ते संबोधन करके कबीर जी कह रहे हैं कि जगत दे मोह ये गल हुण तू ध्यान नाल सुन लै कि मैनू हुण तेरे ते भरोसा नहीं है, तेरे वाला जो जीवन का तरीका है वो ढंग मैं कदी नहीं अपना सकता, क्योंकि इस ढंग दे नाल प्यारे प्रभु तो विछोड़ा ही मिलता है जो मैनू किसी भी हालत मंजूर नहीं है। प्रभु दे विछोड़े की थान मैनू तो मर जाना मंजूर है, आरे नाल चिर जाना मंजूर है, पर प्रभु तो विछोड़ा मंजूर नहीं है। सो शब्द का जो मुख भाव जो समराइज करिए सिंपल जी गल है कि जगत का मोह जीव न प्रभु नालों विछोड़ता है, तो इस तो बचन लई हमेशा ही प्रभु के दर से ही अरदास करनी बनती है, जिवें कबीर जी सानू जाच सिखा रहे हैं कि हो वारी मुख फेर प्यारे करवट दे मुखो काहे को मारे, तू ही बख्शिश करके आपे मैनू अपने नाल मेल लै, मैनू अपने गले नाल लगा लै, मेरे तो तेरा विछोड़ा बर्दाश्त नहीं हुंदा। ये जगत दे मोह तो बच के ही रहना बनता है, तो उस बचन वास्ते इंसान दे अपने जतन कई बारी फेल हो जाते हैं, अपनी अकल वरत के अपनी सियाणप वरत के जोड़े जोड़े इस माया दे नाल लड़न का यतन करते हैं, माया दे उत्ते काबू पाउण दा यतन करते हैं, वो हार जाते हैं मार खा जाते हैं, पर जिहड़े प्रभु दे शरण विच पै के प्रभु दी बख्शिश दा आसरा मंगदे हन, जिहड़े प्रभु दे प्यार दे सहारे ही अपने जीवन नूं चलाना चाहते हैं, तो प्रभु दा फिर जो बिरद है कि जो शरण आवै तिस कंठ लावै, ये बिरद स्वामी संदा प्रभु आप उन्हां नूं अपने गल नाल ला लैंदा है। यही जाच कबीर जी ने इस शब्द विच सानूं सिखाई है कि अपने तो मैनूं विछोड़ ना बल्कि मैनूं बेनती करदे हन कि मैनूं तूं अपने गले नाल लगा लै, मैनूं मेल लै। तो इस करके साढ़े वास्ते भी यही प्रेरणा है कि इस माया के मोह तो बचने वास्ते प्रभु के दर से ही अरदास करते रहिए, प्रभु आप ही सानू बख्शिश करके अपने नाल मेल लवे। आओ अंत विच इस शब्द का एक बार पाठ सरवण करिए, ते नाल दे नाल ही असी इस शब्द के अर्थां नू भी अपने मन विच दोहराते रहिए। ना करवट तेरी लाग गले, सुन बिनती फिर
जो तन चीर अंग न मोरो पिंड पर तो प्रीत न तोरो हम तुम भी सब का बहुत बहुत धन्यवाद जी। अंत फतेह की सांझ करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।